9.2 सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के परमाणु भार से यौगिकों के अणुभार की गणना की जा सकती है, क्योंकि यौगिकों का अणुभार उसके सभी घटक परमाणुओं के भारों का योग होता है। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर पानी के एक अणु का निर्माण करते हैं। यदि हमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु भार ज्ञात हों तो हम पानी के अणु भार की गणना कर सकते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 एटॉमिक मास यूनिट तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 एटॉमिक मास यूनिट है। इसलिए पानी का अणु भार 2 × 1 + 16 = 18 एटॉमिक मास यूनिट होगा। आइए कुछ और यौगिकों के अणु भार की गणना करें। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 है। सल्फर का परमाणु भार 32 एटॉमिक मास यूनिट। तब सल्फर डाइऑक्साइड का अणु भार 32 + 2 × 16 = 64 एटॉमिक मास यूनिट। इसी प्रकार नाइट्रोजन का अणु भार होगा 2 × 14 = 28 एटॉमिक मास यूनिट। आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान। सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है, क्योंकि ठोस आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते, उसके घटक आयन होते हैं। ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl अथवा Na+Cl- होता है। यह उसका मूलानुपाती सूत्र है। विभिन्न आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों द्वारा भार ज्ञात किए जा सकते हैं। यह भार एक अणु का भार नहीं होता, इसे हम आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 एटॉमिक मास यूनिट है और सोडियम का परमाणु भार 23 एटॉमिक मास यूनिट है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान 35.5 + 23 = 58.5 एटॉमिक मास यूनिट होगा।